गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अष्टम वर्ग के मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। आज हम सभी हिंदी की कक्षा में सुदामा चरित कविता का पार्ट टू पढ़ेंगे, भाग दो पढ़ेंगे। आज की कक्षा के पूर्व की कक्षा में हम लोग सुदामा चरित कविता का प्रथम भाग पढ़ा था, आज हम लोग द्वितीय भाग पढ़ेंगे। ये चैप्टर 13 का है, इसका वर्ड मीनिंग भी भेजा जा चुका है। इसमें छठी पैराग्राफ में कह रहा है कि वैसे ही एक समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। यानी सुदामा जब अपने घर की ओर लौटते हैं तो अपने घर के प्रति उनको भ्रम हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के यहाँ जब थे तो सेवा और भगत के समय ही भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से सुदामा के घर को रातों रात जो है सोने के महल में बदल दिया था। केवल सुदामा के घर को ही नहीं बल्कि उस पूरे नगरी को सोने के समान महल में बदल दिया था, क्योंकि सुदामा की पत्नी ने ये शर्त रखा था भगवान विश्वकर्मा से कि केवल हमारे घर को स्वर्ण महल नहीं किया जाए बल्कि पूरे नगरी को किया जाए। तो विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पूरे नगरी को स्वर्ण महल में बदल दिए थे। तो सुदामा को अपने घर के प्रति भ्रम हो जाता है कि ये मेरा ही घर है, क्योंकि झोपड़ी के स्थान पर स्वर्ण महल बना हुआ था। कैद हो परयो कहूँ मार्गा भूली कि फेरी के मैं अब द्वारिका आए। वो द्वारिका जाते हैं श्री कृष्ण से अपने दोस्त से हेल्प के लिए। किसी तरह से वो पूछ पूछ के द्वारिका तो पहुंचते हैं, लेकिन द्वारपाल उनको पहले भी मैंने बताया था कि जाने से रोक देता है। भवन बिलो कि बे को मन लोचत, लोचत मने अच्छा लगना, लोचत ही सब गांव मंझायो। पाणे पूछत पाणे फिरे सब सुर पर झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। सुदामा बार बार जो है जाते समय जो है श्री कृष्ण के महल को भी भूल जाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण का महल कौन है, क्योंकि सारे महल एक जैसे लग रहे थे। वो पूछते पूछते आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं थे, तन पर अच्छी धोती नहीं थी, एक ही धोती मैल कुचली धोती को गर्दन से लेकर के देह पर लिपटे हुए थे, कमर में लपटे हुए थे। तो पूछते पूछते किसी तरह से जो है कोई नाम पूछता था तो अपना नाम सुदामा बताते थे कि हम श्री कृष्ण के दोस्त हैं, और इस तरह से वो अपना आगे बढ़ते हुए सुदामा जो है वो कृष्ण के महल की ओर द्वारिका की ओर जा रहे थे। सातवां पैराग्राफ में कह रहा है कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती वहीं ठौर, होती मने होती, तामे परो दुख काटो कहाँ हेम धामरी। जब उधर से लौटते हैं तो अपने धाम को नगरी को तो आते हैं, लेकिन अपने घर को खोजने में उनको भ्रम हो जाता है। जहाँ पर एक मड़ई थी यानी झोपड़ी थी, वहाँ पर जिस झोपड़ी में वे इतने दिन गुजारे थे, दुख काटे थे, वही झोपड़ी स्वर्ण महल में भगवान श्री कृष्ण ने रातों रात भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया था। तो अपने घर को खोजने में सुदामा को भ्रम हो जाता है। जेवर जगाऊ तुम साजे सब अंग अंग, उनकी पत्नी अंग अंग में जो है जेवर गहने जेवरात पहने हुए रहती है, जो कि एकदम फटी हुई साड़ी पहनती थी, कई जगह से सिले हुए रहते थे। आज वही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी पत्नी जेवर जरात पहने हुए है, हर अंग में जो है गहने गुड़िये पहने हुई है, जिससे अपनी पत्नी को भी सुदामा पहचान नहीं पा रहे हैं। सखी सोहे संग वह छूती छूती छामरी, वो छुम छाम में है, एकदम जो है पायल पहने हुए है, हाथ में चूड़ियाँ लगाई हुई हैं, बलाएँ लगाई हुई है, और अपने सखियों संग जो है सुदामा की पत्नी अठखेलियाँ कर रही है, खुशी मना रही है, जश्न मना रही है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा का जश्न मना रही है। तुम तो पटंबर री ओढ़े हो किनारी दार दाग सारी जरतारी वह ओढ़े कारी कामरी, मेरी वा पंडिताइन तिहारी अनुहारी ही पै
इसके बाद कह रहा है कि विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी, विपदा सहने वाली वो मेरी पत्नी कहाँ है। वो अपने घर के पास आते हैं तो एक तो स्वर्ण महल देख करके चकित हो जाते हैं और दूसरा जो है अपनी पत्नी को अनेक तरह के गहनों में सुसज्जित देख करके अपनी पत्नी को भी पहचानने से वो इनकार कर देते हैं। अपनी पत्नी से पूछते हैं लेकिन अपनी पत्नी को इतने सजे धजे गहनों में सुसज्जित हो करके वो पहचानने में असमर्थ रहते हैं। अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाते हैं कि सही में मेरी पत्नी है, क्योंकि जो पत्नी उस झोपड़ी में अनेकों कष्ट काट चुकी थी, फटी साड़ी में लिपटी रहती थी, आज वही अनेक तरह के जेवरातों से, गहनों से, गुड़ियों से सुसज्जित है। कै वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन, कंचन मने सोना, हती मने होती, जो उनकी टूटी झोपड़ी थी सुदामा की वो तो स्वर्ण महल में बदल चुका था। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मेरी टूटी झोपड़ी थी, टूटी मड़ई थी, वो कंचन के अब धाम हो गया है, सुहावत मने अच्छा लग रहा है, सोना का धाम बन गया है, सोने का महल बन गया है, भवन बन गया है। इसके बाद कह रहा है कै पग में फतही न हती कहाँ लय गजराज हूँ ठाढ़े महावत, जो झोपड़ी जिसमें रहने लायक नहीं था, वर्षा में सब जगह पानी टपकने लगता था, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी उस घर में, आज वही घर में जो है ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी पर महावत हाथी लिए खड़ा हुआ है। द्वार पर जो है दरवाजे पर जैसे राजा महाराजा के महल के बाहर हाथी के चित्र होते हैं, हाथी के बनाए हुए स्टैचू रहते हैं, उसी तरह से उनके द्वार पर हाथी और महावत के चित्र राजा महाराजा जैसे बनाए हुए हैं दोनों गेट पर। कह रहा है कि भूमि कठोर पे रात कटे, जहाँ पर सुदामा अपने भूमि पर जो कि पहले खाट भी इनके घर में नहीं थे, वो भूमि पर जमीन पर लेट करके जो है अपना रात गुजारते थे, कठोर जमीन पर, वहीं पर जो है कोमल सेज पे नींद न आवत, वहीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके घर में अनेक पलंग, अनेक सुसज्जित जो है बिस्तर लगे हुए थे, तोषक तकिए से परिपूर्ण हुए थे, सुसज्जित हुए थे, वहाँ जहाँ पर वे रात में भूमि पर सो करके गुजारते थे सब परिवार, सुदामा के पत्नी और सुदामा के बच्चे और सुदामा, वहीं जो है राजा महाराजा जैसे बिस्तर लगे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। कह रहा है कि कहे जुरतु नहीं कोदो, कोदो एक तरह का समा होता है, घास जैसा, एक तरह का जंगली जैसा कुछ खाने वाला चीज़ होता है, चावल के जैसा, तो जहाँ वो कोदो खा करके किसी तरह से अपना रात गुजारते थे, दिन गुजारते थे, भगवान सुदामा श्री कृष्ण के दोस्त, वहीं प्रभु के प्रताप थे दाख न भावत, वहीं प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से उनके घर में जो है अनेक तरह के जो है सुसज्जित व्यंजन पकवान भरे हुए हैं, पूरा जो है धन्य धान्य से घर समृद्ध हुआ है, भरा हुआ है, चारों तरफ जो है जो एक राजा आलिशान राजा के घर में जो है आलिशान भवन में जैसे सारे सुख सुविधा के चीज़ भौतिक सुख सुविधाओं के चीज़ जैसे विराजमान होते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त की बुरी दशा को देख करके रातों रात जो है जब वहाँ द्वारिका में श्री कृष्ण के पास अपने दोस्त के पास सुदामा जब दो चार दिन गुजारे थे, उसी दरमियान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त के दुख को हरने के लिए भगवान विश्वकर्मा से रातों रात जो है उस नगरी को, सुदामा के झोपड़ी सहित उस नगरी को ही स्वर्ण महल में बदल दिया था, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जो है अपने दोस्त को, परम सखा को धन्यवाद दे देते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस तरह के दुख को हरने के लिए। अगर सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर शायद पहले ही चले गए होते तो उनका दुख जो है पहले ही दूर हो गया रहता, क्योंकि भगवान ही उनके दोस्त थे, श्री कृष्ण जो जग के रचयिता हैं, दाता हैं, सर्वस्व हैं, वही जब सुदामा के दोस्त थे तो अब कहना ही किया था। लेकिन पत्नी के गरीबी के कारण जो है, शर्म के कारण जो है, अपनी पत्नी के बार बार कहने के बावजूद भी सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन काफ़ी पत्नी के द्वारा
उकसाने के बाद जो है सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं। कृष्ण जो है बहुत ही रोते हैं उनके लिए, अपने दोस्त के लिए, बचपन के सखा के लिए, और जो है उनके दुख पीड़ा को देख करके समझ जाते हैं कि हमारा दोस्त जो है अति दुख में है। वो क्या करते हैं कि रातों रात जो है उनके महल को जो है आलीशान इमारत में, राजा के भवन में बदल देते हैं और सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देते हैं। उनके बच्चे, उनकी पत्नी अनेक तरह के हीरे जवाहरात आभूषण से अलंकृत हो जाते हैं और उनके दुख जो है उसी दिन से दूर हो जाते हैं। वो श्री कृष्ण के जैसा जो है रामराज जो है प्राप्त करने लगते हैं। यही कविता है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को कम से कम आप लोग दो बार अवश्य सुनेंगे, देखेंगे। इसके बाद जो है अगली क्लास में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।